हिमाचल प्रदेश राज्य जैविक विविधता बोर्ड द्वारा हमीरपुर में वन विभाग के सौजन्य से जिला प्रसारण पुलिस एवं जिला परिषद सदस्यों के लिए जैव विविधता अधिनियम 2002 की जानकारी के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जैव विविधता वन्य जानवर संरक्षण को लेकर उपस्थित लोगों को जागरूक किया गया तथा प्रदेश में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही पर्यावरण के संरक्षण को लेकर भी चर्चा की गई तथा जिला परिषद सदस्यों द्वारा भी पर्यावरण और जानवरों के आतंक को लेकर प्रश्न किए गए। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के कार्यक्रम समन्वयक ML ठाकुर ने बताया कि वन विभाग के माध्यम से जिला परिषद सदस्यों और जिला प्रशासन के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में वन पहाड़ व नदियों से पर्यावरण सुनिश्चित है, वहीं हिमाचल प्रदेश में बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं जिनका प्रयोग कंपनियों द्वारा दवाई के लिए किया जाता है। उन्होंने बताया कि जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत हिमाचल को पैसा भी मिलेगा तथा ये पैसा उन्हीं पंचायतों में खर्च किया जाएगा जहां से जड़ी बूटी इकट्ठी की जाएगी। आज हमने हिमाचल प्रदेश स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमीरपुर के साथ मिलकर जिला परिषद हमीरपुर के लिए जैव विविधता अधिनियम पे एक कार्यशाला का आयोजन किया है। हिमाचल जैसे प्रदेश में जहाँ का वातावरण हमारे जंगलों की वजह से, हमारे पहाड़ों की वजह से, हमारी नदियों की वजह से सुनिश्चित है, वहाँ साथ ही हमारे यहाँ बहुत सारी जड़ी बूटियाँ कंपनियों द्वारा बहुत सारी जड़ी बूटियाँ जो है उपयोग की जाती है, जिससे दवाइयाँ बनती हैं। तो इस एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक हिमाचल जैसे प्रदेश को जो हित लाभ वाला जो इसमें प्रोविजन है या बेनिफिट शेयरिंग वाला जो प्रोविजन है बायोडाइवर्सिटी एक्ट में, उसके मुताबिक हिमाचल को बहुत सारा पैसा आएगा और वो पैसा गांव में उन जड़ी बूटियों के संरक्षण और गांव के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उपयोग होगा, उसी गांव में जिस गांव से वो जड़ी बूटी जाती है उस गांव में।